राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है, ऊपर नीचे आगे पीछे। आलेख निर्मला जैन का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं कृति चौधरी। दादी, चांद तो इतना ऊपर है, फिर नीचे कैसे उतर आया? पानी तो उससे बहुत नीचे है, पर पानी पर चांद की छाया पड़ रही है। हाँ भाई, आंगन में ईंट के गड्ढा बन गया है ना, उसी में पानी भर गया है। ऊपर बादल, नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल, नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल, नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल, नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल, नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। चरखा कात रही है देखो, नीचे झांक रही खड़े खड़े चंदा मामा की तरह सबको देखते रहते हैं, पर नीचे वाला हमें नहीं देख पाता। दादी, एक दिन कुछ बच्चे नीचे गली में लड़ रहे थे, हम ऊपर से उनकी लड़ाई देखते रहे। लड़ते लड़ते बड़ी देर हो गई थी, पर लड़ाई नहीं खत्म हो रही थी। हम दोनों ने सलाह करके एक गेंद नीचे फेंक दी। फिर क्या हुआ मालूम है? वे लोग लड़ाई झगड़ा भूलकर इधर उधर देखने लगे कि गेंद कहाँ से आई, और फिर उसके पीछे भागे। ठीक है बच्चों, लड़ाई खत्म हो गई, चलो ये तो अच्छा ही हुआ। पर कभी कभी ऊपर वाले भी चक्कर में फंस जाते हैं। चलो इसी बात पर अब तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी सुनाओ। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा का एक बहुत ऊंचा महल था। राजा का एक लड़का था, वो बड़ा शरारती था। अच्छा। वो रोज अपने महल की छत पर चढ़ जाता था, ऊपर से नीचे की हर चीज
छोटी छोटी दिखाई देती थी। हाँ। ये सब देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी शरारत में आकर वो ऊपर से राह चलते लोगों के कंकड़ पत्थर भी मार देता था। अच्छा दादी माँ। हाँ, नीचे वाला जब इधर उधर देखता तो लड़के को बड़ी हंसी आती। एक दिन लड़कों का एक झुंड आपस में बात करता हुआ निकल रहा था। राजा के लड़के ने सोचा कि अगर मैं इनके ऊपर एक कंकड़ फेंक दूं, तो ये सब बातें करना भूल जाए। वो जब कंकड़ उठाकर नीचे की ओर झुका तो उसके सिर की टोपी नीचे गिर पड़ी। टोपी बड़ी कीमती थी। जिस लड़के के ऊपर टोपी गिरी वो उसे लेकर भाग गया। राजा का लड़का शोर मचाता हुआ जब नीचे आया तब तक लड़का बहुत दूर भाग चुका था। अच्छा। हाँ, वो अपनी शरारत पर बहुत पछताया। फिर उसने ऊपर छत पर चढ़कर कभी किसी को कंकड़ नहीं मारा। हाँ बच्चे, कैसी लगी कहानी तुम्हें? अच्छी लगी। राजा के लड़के को करने का फल खूब मिला। अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जरा सोच कर बताना। हाँ हाँ दादी, पूछो। तो हम सब कहाँ बैठे हैं? चारपाई पर। ठीक है, अब कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं तुमसे ऊपर हो जाऊं। हाँ, पर एक शर्त है, मुझे चारपाई से नहीं हटाना है तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। कैसे? अरे, तुम नीचे जमीन पर बैठ जाओ तो मैं तुमसे ऊपर हो जाऊंगी। हाँ हाँ दादी। अब हम नीचे और तुम ऊपर। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम मुझे बिना अपनी जगह से हटाए नीचे कर सकते हो? हाँ दादी, अगर हम ऊंची मेज के ऊपर चढ़ जाएं, तो हम तुमसे ऊपर और तुम हमसे नीचे। हाँ बिल्कुल ठीक, यानी ऊपर को हम नीचे भी बना सकते हैं और नीचे को ऊपर, है ना? जब तमाशा। है ये कितना अजब तमाशा, ऊपर ही नीचे हो जाता, नीचे ही ऊपर हो जाता। ऊपर के ऊपर कुछ रख दो तो ऊपर नीचे हो जाता, नीचे के नीचे कुछ रख दो तो नीचे ऊपर हो जाता। है ये कितना अजब तमाशा। जैसे ऊपर नीचे का तमाशा है, वैसे ही आगे पीछे का भी। वो कैसे? देखो, अभी मेरे आगे मुन्नू बैठा है ना, यानी मैं मुन्नू के पीछे हूँ, और अगर मुन्नू मेरे पीछे आएगा तो तब तो आप मुन्नू के आगे हो जाएंगी। ठीक कहा तुमने। दादी 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 दादी, और अगर मैं आप दोनों के बीच में आ जाऊं तो? अच्छा पोपट लाल जी, आप बीच में आ गए हैं, तब मैं आपके पीछे और दादी आपके आगे। दोस्तों, आज हम तुम्हें जो गाना सुनाने जा रहे हैं वो भी आगे पीछे का ही गाना है। जरा सुनो तो, इस गाने में किसे किसके आगे पीछे बताया है? दोस्तों, ये गाना है गाय का, बकरी का, और शेर का। जरा ध्यान से सुनना, कौन गया आगे और कौन गया पीछे। भां भां करती गाय चली, भां भां करती गाय चली, भाई आगे आगे गाय चली।
पीछे से एक आई बकरी, पीछे से एक आई बकरी, संग चलूंगी बोली बकरी। तो गैया ने क्या कहा? गैया बोली पीछे आजा, गैया बोली पीछे आजा, मैं आगे तू पीछे हो जा। गैया बोली पीछे आजा, मैं आगे तू पीछे हो जा। पीछे बकरी, अरे पीछे बकरी, गैया आगे, जाते थे वो भागे भागे। और तभी पीछे से आया एक शेर, पीछे से आया एक शेर, बकरी आगे पीछे शेर। बकरी के आगे थी गैया, बकरी के आगे थी गैया, भा भा करती भागी गैया। गाय, बकरी और शेर पहाड़ की पगडंडी पर भाग रहे थे। कैसे? गैया आगे पीछे बकरी, गैया आगे पीछे बकरी, पगडंडी थी सकरी सकरी। बकरी के पीछे था शेर, बकरी के पीछे था शेर, आगे बकरी पीछे शेर, भाई आगे बकरी पीछे शेर। अब फिर क्या हुआ? तभी शेर का फिसला पांव, तभी शेर का फिसला पांव, वो पहाड़ से गिरा धड़ाम। बकरी पीछे से चिल्लाई, बकरी पीछे से चिल्लाई, गैया माई गैया माई, जान बच गई खैर मनाओ, चलो चले अब वापस आओ। और दोस्तों, इस तरह जान बच गई गाय और बकरी की। वे दोनों वापस घर की ओर चली। और दोस्तों, इस बार अब की बारी बकरी आगे, अरे अब की बारी बकरी आगे, पीछे गैया बकरी आगे, आगे पीछे पीछे आगे, आगे पीछे पीछे आगे, आगे पीछे पीछे आगे। तो दोस्तों, कैसा लगा गाय बकरी और शेर का गाना? बड़ा अच्छा लगा। अब भाई जरा ये बताओ, बकरी आगे थी या पीछे? बकरी थी गाय के पीछे और शेर के आगे। और जब गाय और बकरी वापस मुड़ी तो? तब बकरी आगे और गाय पीछे। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम का तो समय समाप्त हो रहा है। तुम इस कार्यक्रम के बाद भी ऐसा खेल खेल सकते हो भाई, जिसमें कभी तुम आगे हो जाओ और कभी पीछे। ध्यान रखना, आगे पीछे होने के लिए तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है। ऊपर बादल नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। ऊपर बादल नीचे पानी, चांद पर बैठी बुढ़िया नानी। चरखा कांप रही है देखो, नीचे झांक रही है देखो। पानी में चंदा आ जाता, नानी को है।
प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।